तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉडकास्ट के बारे में कि पॉडकास्ट किसे कहते हैं इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है रिकॉर्ड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किस तरह से बेसिक इसकी एडिट करनी है और किस किस प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पॉडकास्ट के बारे में कि पॉडकास्ट किसे कहा जाता है जैसा इसके नाम से ही पता चलता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है आईपोड और ब्रॉडकास्ट आई जो होता है एप्पल का एक प्रोडक्ट होता है जिसमें आप सिर्फ ऑडियो फाइल अपनी रख सकते हो म्यूजिक वगैरह और ब्रॉडकास्ट से हम समझ सकते हैं कि जो भी वीडियो ऑनलाइन होती है जैसे कि आप अपने टीवी में देखते हैं उनको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं सभी चीजों को तो इसे साफ पता चलता है कि कोई भी ऑडियो फाइल जो ऑनलाइन अवेलेबल हो सुनने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए उसे हम पॉडकास्ट कहते हैं हालांकि आजकल आपको बहुत सी पॉडकास्ट वीडियो

कर रहे हैं या आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं जो पॉडकास्ट अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब अलग अलग डिवाइस से आप अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बात जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है जो एडिटिंग में आपका काफी सारा समय बचाएगी वो है कि रिकॉर्ड करते समय कुछ भी बोलने से पहले मतलब स्टार्ट में ही आपको कोई साउंड ऐड करना है उसमें चाहे वो किसी क्लैप का साउंड हो जैसे ऐसे या किसी भी तरह का आपको एक मतलब हाई पिच कोई साउंड आपको रिकॉर्ड करना है इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो और ऑडियो अगर आप अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं या अलग अलग ऑडियो ही रिकॉर्ड करते हैं जैसे मैंने बताया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अलग अलग डिवाइस में तो आप जैसे हाई पिच का कोई साउंड रिकॉर्ड करोगे तो एडिटिंग में आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी सिंक्रोनाइज करने में हालांकि आजकल सभी सॉफ्टवेयर में सिंक्रोनाइज का आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ऑडियो और वीडियो का आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं बट फिर भी एक बैकअप के लिए शायद सिंक्रोनाइज आपका ठीक से काम न करे किसी भी रीजन की वजह से तो हाई पिच आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एडिटिंग टेबल पे आप जैसे जाओगे आपको जो ऑडियोग्राफ है उसमें आपको दिखेगा कि हाई पिच ऑडियो काफी ज्यादा हाई ग्राफ है स्टार्ट में तो आप उसको मतलब सिंक्रोनाइज करने में काफी ज्यादा आसानी आपके लिए होगी और तीसरा हालांकि पॉडकास्ट बहुत अलग अलग तरीके की होती है आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं फिर भी अगर आप एक बेसिक पॉडकास्ट चाहते हैं आप चाहते हैं कि एक फ्लो में आपकी पॉडकास्ट जाए और इधर उधर आप ना बैठ बैठकें कहीं भी तो एक स्क्रिप्ट आप बेसिक तैयार रखें हालांकि फुल स्क्रिप्ट चाहे ना लिखें आप क्योंकि पॉडकास्ट ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ के कुछ सुना रहे हैं हालांकि ऐसा भी हो सकता है बट ज्यादातर समय आप फ्रीली बोलते हैं जो आपके मन में आता है वैसा बट फिर भी जिस टॉपिक पे आप

करने का प्लान कर रहा हूँ मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल जाता हूँ या फिर माइक कनेक्ट करना भूल जाता हूँ पावर नहीं है बहुत सारे ऐसे मतलब के सिनारियो हो सकते हैं जिसमें आप अपनी पूरी वीडियो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर कर लो या कर लो या पूरी पॉडकास्ट और एट द एंड आपको पता चले कि आपका जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो कनेक्ट ही नहीं हुआ था ऑन नहीं हुआ था या बीच में ही उसकी बैटरी खत्म हो गई तो इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहे अगर आप कोई लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो बीच में आप उसको क्रॉस चेक करते रहे जैसे अभी हमारे मोनिटर की स्क्रीन बंद हो गई हालांकि नॉर्मली मेरी अगर पिछली वीडियो आप देखो तो मैं इसमें एक जो इसका टाइम आउट होता है उसको मैंने ऑफ किया है बट अभी मैं इसको ऑफ करना भूल गया फिर से काफी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा वो मैंने ऑन कर दिया है टाइम आउट तो अभी वो बंद हो गई स्क्रीन तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज आप न भूले जिससे आपको रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो या आप रिकॉर्ड ही ना कर पाओ तो इस बातों का जरूर ध्यान रखिए मैं इसकी स्क्रीन जरा ऑन कर दूं ओके तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है और जो इसकी सेटिंग है जो इसकी मतलब स्क्रीन स्क्रीन ऑफ ऑफ टाइम है है उसको मैंने नेवर कर दिया कि अभी कभी भी इसकी नहीं होगी जब तक हम मैनुअली नहीं करेंगे तो अभी बात करते हैं गैजेट के बारे में क्या क्या इक्विपमेंट है जो पॉडकास्ट के लिए आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको यूज करने चाहिए तो इसमें जैसे हम बहुत बार बोल चुके हैं कि ऑडियो इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉडकास्ट का बट अगर आप चाहें तो वीडियो भी इसके साथ रिकॉर्ड

चाहिए तो डायनामिक माइक क्या होगा कि वो ज्यादा आसपास की आपकी कैप्चर नहीं करेगा बट उसके ऑडियो तो कैप्चर कर सकते हैं उसके जो थे, थे वो नहीं होते काफी पास से आपको बोलना पड़ता है और उसके माइक के बिल्कुल सामने से आपको बोलना पड़ता है जबकि कंडेंसर माइक आप थोड़ा इधर उधर से बोलोगे तो भी आपकी ऑडियो अच्छे से कैप्चर कर लेगा तो पहले मैं कंडेंसर माइक यूज करता था स्नो वॉल का ब्लू है और अभी आपको नहीं दिख रहा है इसका लोग क्योंकि का एक और के साथ ये कैप्चर करता है। तो आपका भी अगर माहौल इतना शांत नहीं है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते आसपास की नॉइज तो आप किसी डायनेमिक माइक की तरफ जाइए बट इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर आपको इसके लिए ऑडियो इंटरफेस की जरूरत पड़ती है तो एक एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो जाता है बट आप सभी ऑप्शन देख ले अपने हिसाब से और फिर आप किसी अच्छे माइक की तरफ जाए बाकी जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ या फिर जो मैंने आपको स्नोबोल का माइक दिखाया या जो मेरे को अच्छे लगते हैं माइक उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां जाके आप आप उन सभी माइक को चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं तो आप कोई भी माइक यूज कर सकते हैं बस वो डिपेंड करे की आपका बजट कितना है और अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेशली एक वीडियो लेके आए किस तरह से इसको रिकॉर्ड करना है पॉडकास्ट को मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो आप बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में या अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल से हम किस तरह से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मतलब पॉडकास्ट के लिए। किस तरह से मोबाइल में ही एडिट कर सकते हैं और किस तरह से मोबाइल में ही अपलोड कर सकते हैं ये सभी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उस पर साथ साथ आप कोई भी माइक यूज करें कितना ही महंगा माइक हो कितना ही सस्ता माइक हो कोई भी पोपर फिल्टर आप उस पर यूज करें जैसे आप इस छोटे माइक पे देख पाओगे तो आप ये ऐसा कोई पोपो फिल्टर है इस पे स्पन जैसा आपको दिखेगा या इसके अलावा बहुत सारे पोपर फिल्टर आते हैं जैसे मैं अपना ये JBL का माइक यूज करूं इस पे ही मैं ऐसा ही कुछ चीज यूज कर स्पं ऐसा और इसके अलावा कुछ ऐसे पॉपअप फिल्टर भी आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे ऐसे भी आप यूज कर सकते हो ये आपके फेस पे ऐसे रहेगा और सामने इसके माइक रहेगा तो जो भी आपकी सांसों की आवाज आएगी या कुछ भी मतलब समझ रहे हो आपकी बहुत सारी चीजों को यह रोक लेगा माइक और पॉपअप फिल्टर के अलावा जो आपको एक एसे की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी माइक आम की तो अगर आप कोई कॉलर माइक यूज करें इस तरह का तो इसको आप अपने कॉलर पे लगा सकते हैं किसी तरह की आपको मतलब माइक आम की जरूरत नहीं पड़ेगी बट अगर आप कोई भी डायनेमिक माइक इस तरह का या कोई ने माइक आप यूज करते हो तो आपको शायद माइक आम की जरूरत पड़ सकती है या फिर आप इसको ऐसे हाथ में पकड़ के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसा आपका दिल करे बट अगर माइक आम की बात करें तो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे मैं माइक आम यूज कर रहा हूं, अगर आप लाइव स्ट्रीम देखते हैं मेरे चैनल पे, तो आपने देखा होगा एक माइक आम होती है उसमें बट बट शायद आप ना देख पाएं उसको क्योंकि बैकग्राउंड मैं रिमूव कर देता नॉर्मली बटी कुछ आपको माइक आम देखने को मिलेगी ये काफी अच्छे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसे आप अपने टेबल पे लगा सकते हैं बट अगर आपके पास टेबल नहीं है जिस भी इन्वायरमेंट में आप शूट करते हैं तो आपको किसी इस तरह के माइक स्टैंड की जरूरत पड़ेगी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे बट चो

इसके अलावा कोई साउंड रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं कोई ऐसा माइक जिसमें आपको ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे रोड का माइक है डीजीआई का माइक है और बहुत सारे ऐसे माइक है तो आपको बस इतने ही इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप ऑडियो ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं बट अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको किसी कैमरा की जरूरत पड़ेगी या आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और काफी ज्यादा अच्छे अच्छे आजकल फीचर आपको मिलेंगे काफी सारी ऐप मिलेगी आपको जिससे आप अच्छी ऑडियो और वीडियो साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल में तो अगर आप चाहते हैं तो वही बात के कमेंट में लिखिए हम वीडियो लेके आएंगे जल्द से जल्द

बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी कोई भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तो ट्राई करें कि आपका जो माइक है वो आपके फेस के ज्यादा दूर न हो क्योंकि जितना दूर वो होगा उतनी ही वो कम आपकी ऑडियो पिक करेगा और फिर एडिटिंग में आप जब ऑडियो को एम्पलीफाई करोगे तो काफी ज्यादा नॉइज भी उसके साथ एम्पलीफाई होगी तो आपको चाहिए कि माइक आपका काफी ज्यादा पास हो आपके फेस के बट इतने भी पास न हो कि आपकी सांसों की आवाज भी आपके माइक में सुनाई दे तो माइक आप अराउंड अपने फेस से दस से बारह इंच दूर रखें इतना लगभग दूर रखें या फिर जैसे अभी मैंने इसको रखा है अगर मैं आपको दिखाऊँ जो मेरा माइक है वो मेरे फेस से लगभग इतना दूर है आप देख पाओगे कि कितना गैप है ज्यादा नहीं है बट मैं जस्ट ये फ्रेम से बाहर इतना दूर इसका रख रख रहा हूं। तो मैं इसको पास सकता हूँ यहाँ भी रख सकता, मतलब सकता हूँ आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि आप माइक नॉर्मल देख पाओगे सभी यूट्यूबर्स की वीडियो में पहले नहीं दिखाते थे पहले आउट ऑफ द फ्रेम उसको रखते थे तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है तो आप इसको इससे भी ज्यादा पास रख सकते हैं अगर आप चाहें तो और अगर आप कोई ऐसा कॉलर माइक यूज करते हो तो आप इसको मतलब ज्यादा पास न रखें बट ज्यादा दूर भी ना रखें उसको लगभग अराउंड इतनी दूरी पे रख सकते हैं तो इससे आपकी ऑडियो अच्छे से कैप्चर भी करेगा और ज्यादा नॉइस भी है ज्यादा कैप्चर नहीं करेगा और अब हमें अपना सेटअप तैयार करना है कि माइक कहां लगाना है और ऑडियो इंटरफेस कहां लगाना है अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो कैमरा कहां लगाना है ये सभी आपको सेटअप करना है और अगर आप कैमरा नहीं लगा रहे मतलब आप अपने पीसी में ही ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कोई एक सॉफ्टवेयर चूज करना पड़ेगा कि किस सॉफ्टवेयर में आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो है ओडा सिटी बहुत सारे यूट्यूबर इसको यूज करते हैं मैं भी नॉर्मली इसी को यूज करता हूँ अगर मेरे को कोई ऑडियो रिकॉर्ड करनी हो और फाइनली अब आपको

मतलब बैलेंस कर देगा और इक्वलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं वो भी आपकी ऑडियो को थोड़ा इक्वलाइज कर देगा और इसके अलावा आप लिमिटर यूज कर सकते हैं मतलब बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं और एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है नॉइज रिडक्शन आप किसी भी टूल को यूज करें जैसे ओडासीटी को अगर मैं यूज करता हूं, तो उसमें नॉइज रिमूव का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आपकी ऑडियो में एक नॉइज आ रही है कोई इलेक्ट्रॉनिक नॉइज आ रही है या इन्वायरमेंट की कोई नॉइज आ रही है तो आप इसको रिमूव कर दे थोड़ी क्लीन रखें अपनी ऑडियो को और थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए आवाज का तो मतलब कुछ चीजें हैं जो आपका एडिटिंग में ध्यान रखनी है उसके अलावा अगर आप एक फुल ट्यूटोरियल ते हैं पॉडकास्ट की ऑडियो एडिट कैसे करनी है या अपने कंटेंट की जैसे आप कोई वीडियो शूट करते हैं उसकी ऑडियो कैसे एडिट करनी है तो आप वो भी हमें लिख सकते हैं हम ट्राई करेंगे बताने का कि जो हम करते हैं वो हम बता देंगे क्योंकि ज्यादा प्रोफेशनल तो हम नहीं है ऑडियो के मामले में तो जितना हम करते हैं उतना हम आपको बता देंगे तो ये सभी स्टेप करने के बाद आपकी पॉडकास्ट पूरी तरह से मतलब तैयार है अब बात करते हैं कि आपको ये किस किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है तो इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल पॉडकास्ट हो या फिर एप्पल पॉडकास्ट है उसके अलावा भी बहुत सारे हैं यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं सकते हैं और स्पोडीफाई है मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे या तो आप मैनुअली सभी पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी और सब अपलोड करने पड़ेंगे या फिर आप कोई और टूल कर सकते हैं जैसे एंकर एक ऐप है हालांकि मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया बट अगर आप उस अपलोड करते हो तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे वो खुद ही अपलोड कर देगा उसके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी वो सभी जो ऐप है या जो भी आपको ऐसे कोई टूल है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप वहां से उसको देख सकते हैं कि क्या क्या आप ऐप यूज कर सकते हैं क्या कुछ वो सभी आप देख सकते हैं इस वीडियो में बेसिकली सभी बातें की हैं ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर रहे तो अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक पे के डिटेल में हम कोई वीडियो लेके आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां जाके कोई भी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं पॉडकास्ट से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन पे जाइए नीचे, नीचे दिए गए लिंक से वहां से खरीदिए तो पॉडकास्ट के अलावा अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं उसको कैसे आपको अच्छी क्वालिटी में शूट करना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं काफी इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो सकती है आपके लिए अगर आप बिगनर हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और, और आप कॉन्टेंट ऐसा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए जो भी आपको करना है कीजिए धन्यवाद